हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, वेलकम टू द पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 6 चेंजेस अराउंड अस क्लास 6। पिछले पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर की थ्योरी और चैप्टर के बीच में जो एमसीक्यूज आए थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इस पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो आपने पढ़ा है वो ओरली आपको कितना याद रहता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो पहले हम सेक्शन ए करेंगे। सेक्शन ए में पहला आता है ए में ओरल क्वेश्चंस, ठीक है। वैसे तो ये ओरल क्वेश्चंस हैं कि भाई आपको ओरली सुनाए जाए, लेकिन ये आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन आता है, नेम एनी 5 नेचुरल एंड 5 ह्यूमन मेड चेंजेस। तो नेचुरल चेंजेस में आपको 5 चेंजेस बताने हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बहुत सारे चेंजेस बताए हैं नेचुरल चेंजेस में, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, एजिंग ऑफ वुमेन, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड एंड राइपनिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ऑल दिस चेंजेस आर नेचुरल चेंजेस। जो चेंजेस नेचुरल मीन्स अपने आप होते हैं, नेचुरली उनको कोई इंसान नहीं करता है, ऐसे चेंजेस को क्या बोलते हैं, नेचुरल चेंजेस बोलते हैं। और ह्यूमन मेड चेंजेस कौन से होते हैं, ह्यूमन मेड चेंजेस आपके पास हैं, जैसे कटिंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, और मेकिंग क्लॉथ्स, ठीक है, बर्निंग फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ऑल दिस चेंजेस आर ह्यूमन मेड चेंजेस, ठीक है। तो आपको ये सभी चेंजेस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंड टू द साइज ऑफ मेटल, ये फर्स्ट क्वेश्चन का था। सेकंड, जब हम किसी मेटल को हीट करते हैं, व्हेन मेटल इज हीटेड इट एक्सपेंड्स, ठीक है, उसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब इसको हम कूल करते हैं, कूल में कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो ये आपको रखना है याद। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, इरिवर्सिबल चेंजेस। जब हम हीटिंग करते हैं तो कौन से दो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, जैसे अगर हम किसी बर्निंग ऑफ पेपर एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब आप इन दोनों चीजों को क्या करते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं, दिल विल गिव यू इरिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है। कि भाई हीटिंग से दो इरिवर्सिबल चेंजेस कौन से होते हैं, बर्निंग ऑफ पेपर एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब आप इन दोनों केस में पेपर और फ्यूल को क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो बर्न करने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब ये एक बार बर्न हो गए तो इनको वापस से हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो इसलिए बर्निंग ऑफ पेपर और बर्निंग ऑफ वुड और फ्यूल जो होता है वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बी पार्ट, दैट इज साइंस क्विज। साइंस क्विज के अंदर हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, इन द ग्रीडिंग ऑफ ग्रेन्स इनटू फ्लोर, जब गेहूं से हम आटा निकाल लेते हैं तो ये कौन सा है, इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि अगर एक बार आटा बन गया तो उससे वापस ग्रेन नहीं बन सकते, तो इट विल बिकम इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, आगे समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन, नेम वन मेटल विच कैन एक्सपेंड, कोई भी एक मेटल लिख दीजिए, जैसे आयरन लिख दो या आप एल्यूमिनियम लिख दो, बोथ मेटल्स क्या होती है, ये हीट करने पर एक्सपेंड हो जाएंगी, मीन्स इनका साइज बढ़ जाता है जब हम इनको हीट करते हैं, और जब हम इनको कूल करेंगे तो ये कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाएगी, मीन्स इनका साइज घट जाएगा, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, नेम टू ब्रिटल सब्सटेंसेस। ब्रिटल का मतलब होता है जैसे जो
जिनके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो टूट जाते हैं, जैसे बिस्किट्स होता है, बिस्किट्स को अगर हम टाइट हाथ से पकड़ ले तो वो टूट जाता है, तो बिस्किट्स हो गए। एंड सेकंड आप कह सकते हैं स्टोन्स, स्टोन्स के ऊपर जब हम हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो वो भी टुकड़े टुकड़ों में बिखर जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो ओरल क्वेश्चन थे और साइंस क्विज था वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्क शीट की। ठीक है, वर्क शीट में ए पार्ट में आपके आते हैं एमसीक्यू, अभी हमारा सेक्शन यही चल रहा है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना है और फिर उसके आंसर जो गिवन है आपको नीचे, जो आपको पीडीएफ गिवन है, जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड की गई है उसके अंदर आंसर गिवन है तो वो आपको देखने हैं। और यहाँ पर जो भी लिखा जाता है वो ज्यादा, मतलब आपको यहाँ पर जो बोला जा रहा है वो ज्यादा सुनना है। ठीक है, लिखने में तो थोड़ा सा हो जाता है लेकिन ये सारी चीजें आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है और जो नोट्स आपको मिले हैं उसमें लिखे हुए हैं। ठीक है, वहां से आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई वर्ड समझ में नहीं आता है तो आप उसको बुक से देख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द वर्कशीट। वर्कशीट में ए पार्ट में आते हैं आपके एमसीक्यूज, टिक द करेक्ट आंसर, पहले का आंसर आएगा बर्निंग ऑफ कोल। जो बर्निंग ऑफ कोल होता है वो कौन सा है, इरिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, एक बार अगर हमने उसको बर्न कर दिया तो वो वापस नहीं आने वाला, तो इरिवर्सिबल चेंज भी बी पार्ट, बर्न का बी। सेकंड, बेकिंग ऑफ केक इज एन एग्जांपल, जब हम केक को पकाते हैं तो वो क्या होता है, एक बार अगर केक बन गया तो वापस से उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, तो इट विल बी इरिवर्सिबल बी। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्या है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल चेंज, तो मेल्टिंग ऑफ आइस, क्योंकि आइस से वाटर और वाटर से आइस बन सकता है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए रिवर्सिबल चेंज। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इरिवर्सिबल चेंज, कौन सा इरिवर्सिबल चेंज नहीं है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल डी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मेटल, क्योंकि ये कौन सा होता है, ये रिवर्सिबल होता है, अगर मेटल को हम ठंडा कर दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और उसको गर्म कर दे तो एक्सपेंड हो जाएगी, तो ये आपस में एक दूसरे स्टेट में आ सकते हैं अगर आप जो चेंज की जो कंडीशन है उनको चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज, कौन सा इरिवर्सिबल चेंज है, दैट इज ए बर्निंग ऑफ पेपर, क्योंकि अगर एक बार आपने पेपर को बर्न कर दिया तो वो आपको वापस नहीं मिल सकता। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द बी पार्ट, दैट इज सर्कल द ऑड वन एंड गिव द एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें वन में आएगा आपका कुकिंग ऑफ फूड, सॉरी एजिंग ऑफ वुमेन्स, एजिंग ऑफ वुमेन्स क्यों आएगा, क्योंकि ये कौन सा है, इट इज नेचुरल चेंज। ठीक है, ये नेचुरल चेंज होता है और बाकी जो है आपके वो क्या है, वो सभी क्या है, ह्यूमन मेड चेंज है। सेकंड, चेंज ऑफ सीजन, बीटिंग ऑफ हर्ट, हैमरिंग ऑफ मेटल, फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, तो इसमें आएगा हैमरिंग ऑफ मेटल्स, हैमरिंग ऑफ मेटल जो होता है, मेटल्स को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो दैट इज ह्यूमन मेड चेंज। ठीक है, और बाकी वो और जो है वो सारे क्या है, नेचुरल चेंज है। थर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फूड, डस्टिंग ऑफ आयरन, टियरिंग ऑफ पेपर, इसमें आएगा टियरिंग ऑफ पेपर, टियरिंग ऑफ पेपर क्यों आएगा भाई, टियरिंग ऑफ पेपर इसलिए आएगा क्योंकि ये क्या है, इट इज ए फिजिकल चेंज, ये फिजिकल चेंज है और जो बाकी हैं वो सभी क्या हैं, वो सभी केमिकल चेंजेस है, तो ये सभी उनमें क्या है, ओड वन है। ठीक है, सी पार्ट आता है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको मैंने एक वर्ड दिया है, पूरा सेंटेंस लिख के उस वर्ड को लिखना है। यहाँ पर आपको जवाब था चेंज दैट कैन बी रिवर्स आर कोड, जिन चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं, दिस आर कोड रिवर्सिबल, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, सेकेंड का आपके पास आएगा द राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो फलों का पकने
है वो क्या है, वो नेचुरल चेंज है, दैट इज नेचुरल चेंज। नेचुरल भी लिख सकते हैं आप और इरिवर्सिबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इरिवर्सिबल क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एक बार फल पक गए तो वापस से कच्चे नहीं हो सकते, ठीक है। फ्रिज ऑफ वाटर, जो पानी का झरना होता है वो कौन सा है, दैट इज ए फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज कह सकते हैं या रिवर्सिबल चेंज कह सकते हैं, ठीक है। फोर्थ वन, और जब क्या होता है, क्या होता है, जब वाटर स्टीम में चेंज हो जाता है, दैट इज हीट। जो हीट होती है, हीट को जिस हीट की वजह से जो वाटर होता है, जब हम वाटर को हीट देते हैं तो वो किसमें बदल जाता है, भाप में बदल जाता है। तो इसी के साथ हमारा सेक्शन ही कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन बी। सेक्शन बी में पहले क्या है, एमसीक्यूज है, ठीक है। तो पहले हम उन एमसीक्यूज को करेंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। आज हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन तक ही करेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट सिक्स, उसके अंदर हम इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फिर आप इसको कंप्लीट करने के बाद उसको याद करेंगे और उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। आया समझ में? नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर यहां पर हम सेक्शन बी की बात करेंगे। पहले इसमें आते हैं एमसीक्यूज। तो ए पार्ट में एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि ऑन अप्लाइंग फोर्स ऑफ ए स्प्रिंग बाय हैंगिंग ए वेट विच इज लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। आपके पास स्प्रिंग है, उसके ऊपर जब हम वजन लटकाते हैं तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यह आएगा आपका ए, दैट इज इंक्रीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, वे ऐड ए स्पून ऑफ कर्ड। किसी भी मिल्क को कर्ड कोटन करने के लिए उसमें कर्ड ही ऐड किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, सुगर सॉल्ट सी बोथ। तो सी आएगा बोथ, बोथ ऑफ दीज सॉल्ट एंड सुगर बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बी पार्ट, दैट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस ऑफ बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर जो होता है दैट इज केमिकल चेंज, ठीक है। इसमें वर्ड, वन वर्ड के टाइप भी आपको बताना है। सेकंड, व्हेन एल्युमिनियम हीट रोड इज हीटेड व्हाट हैपन व्हेन एल्युमिनियम इट एक्सपेंड्स, ठीक है। जब एल्युमिनियम रोड को गर्म किया जाता है तो ये क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट हैपन कूलिंग ऑन स्टीम, इट विल चेंज इनटू वाटर। जब हम भाप को ठंडा करते हैं तो वो किसमें बदल जाती है, वाटर में बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर कहता है व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स, दैट इज फिजिकल चेंज। जब वैक्स पिघलता है तो पिघलने के बाद भी वो वैक्स ही रहता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, दैट इज फिजिकल चेंज। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन इज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट नेचुरल और ह्यूमन मेड चेंज। दिन रात का होना किस तरीके का चेंज है, वो एक आपका नेचुरल चेंज है। तो आपको पता होना चाहिए कि भी नेचुरल चेंज क्या होता है, जो इंसान नहीं करते हैं, वो जो नेचुरली चेंज होते हैं, जिनके ऊपर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, इस तरीके के जो चेंजेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल चेंज बोलते हैं। व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व ऑन अप्लाइंग प्रेशर ऑन ब्रिटल सब्सटेंस, इट ब्रेक्स इनटू पीसेस। जब हम किसी ब्रिटल सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। जैसे बिस्किट के ऊपर आप प्रेशर लगाओ, उसको स्कॉच कर दो, तो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। और प्रेशर का मैंने एक और बताया था, जैसे स्पॉन्ज होता है उसको प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप और साइज भी चेंज हो जाती है। जैसे मेटल्स है, मेटल को जब हम हैमर से क्या करते हैं, बीट करते हैं, तब भी उसका क्या होता है, शेप एंड साइज चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। पहले आपको क्वेश्चन पूरा उतारना है, फिर उसका आंसर लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलती रहे, ठीक है। और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, एंड कीप स्टडिंग।
थैंक यू।